केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के घोषित परिणाम में डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। स्कूल की शिवांशी ने 96.6% अंक लेकर प्रथम स्थान हासिल किया, तो वहीं कर्ण ने 96% अंक लेकर द्वितीय स्थान हासिल किया। स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने स्कूल के 100% परिणाम पर बच्चों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में डीएवी स्कूल हमीरपुर के छात्रों ने मेडिकल व नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीमों में बेहतरीन प्रदर्शन दोहराते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के 19% छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 23% छात्रों ने 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 25% छात्रों ने 70% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। स्कूल में पहुंचे छात्रों व उनके अभिभावकों को स्कूल के प्रधानाचार्य ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर स्कूल के स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे। छात्रों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता और स्कूल के स्टाफ को दिया। छात्रों का कहना था कि स्कूल के टीचरों ने उनकी हर शंकाओं को दूर करने के अलावा मोटिवेशन का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षा का बेहतरीन वातावरण है, जिससे परीक्षा की तैयारियों में मदद मिलती है। सेटिस्फाई हूँ जो भी मार्क्स आए हैं। मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरे टीचर्स की मेहनत है। मेरा तो सिर्फ छोटा सा योगदान था और मेरा तो सिर्फ 0.1% योगदान था। बाकी तो मेरे टीचर्स फ्रेंड जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुश्किल के वक्त में साथ दिया। कई बार प्रिंसिपल सर ने खुद गाइड किया, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, मैम ने गाइड किया। अगर ये नहीं होते तो मैं शायद लुढ़क चुका होता और आज इतने 96% नहीं आते मेरे। तो मेरा जो इन नंबरों का पूरा श्रेय मेरे टीचर्स को जाता है, पेरेंट्स को जाता है। मेरा तो यहाँ कुछ योगदान नहीं है। यहाँ अगर मैं होता भी नहीं तब भी अगर ये मेरे लिए एक केदारनाथ सिंह की एक कविता की टूटी लालटेन की तरह है, जो बारिश में घिरे लोगों के लिए सहारे की तरह है, जो एक आस देती रहती है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती रहती है। और मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स को ही थैंक यू कहूँगा। और ये सारे जो मार्क्स हैं ये उन्हीं के हैं, ये मेरा कुछ नहीं है। I'm extremely happy and glad and it's just like on the above the sky and I'm very happy and all this these efforts that I have put on is because of respected principal sir, worthy teachers, PCB teachers, English teachers, physical education teachers, and then my parents, my family, they have supported me every time at every step, and then my grandparents also. There's a very big hand of them because every time when I come home, they always say, yeah, you can do it, you can do it. There's nothing that you can't. And बहुत अच्छा लग रहा है, very happy, और बहुत तैयारी की थी, सबकी वजह से हो गया, and thank you. फ्रॉम रिजल्ट आई स्कोर 95% एंड पूरा साल मैंने तैयारी की। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा फीडबैक लेते रहे वो, और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया कि आप कर सकते हैं, आप मेहनत कीजिए। और टीचर्स ने बहुत एग्जामिनेशन होते रहे, रेगुलर प्रैक्टिस, क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट्स, उसके वजह से मैं बहुत प्रैक्टिस मिली और आज रिजल्ट बहुत अच्छा। स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने स्कूल के 100% परिणाम पर बच्चों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। I am very happy and glad to share with you all the amazing result of DAV Public School Hamirpur in CBSE Class 12th Boards. आप सबको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि सभी बच्चों ने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 96.6% के साथ शिवांशी इज द टॉपर ऑफ द स्कूल, करण विद 96 इज द सेकेंड, एंड सौम्या 95.4 एट नंबर 3, यश एंड पलाक्षा विद 95.2% एट नंबर 4, एंड मानिका विद 95% इज एट नंबर 5. मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 19 स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल हैव स्कोर्ड 90+ मार्क्स इन द बोर्ड्स दिस ईयर। 23 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 80% एंड 25% स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 70% एंड अबव इन दीज बोर्ड एग्जाम्स।
ये हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए, सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टाफ मेंबर्स, ऑल द पेरेंट्स एंड द टीचर्स एंड मोस्ट ऑफ ऑल द डियर चिल्ड्रन जिन्होंने बहुत मेहनत की, स्कूल का नाम ऊंचा किया। हमारे स्कूल चेयरमैन आदरणीय श्री आनंद स्वरूप जी की ओर से, हमारे मैनेजर मिस्टर पटनागर जी की ओर से, एआरओ श्री वी के यादव जी की ओर से, मैं इन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये लोग अगले साल भी इससे भी बढ़कर और अच्छे रिजल्ट्स देंगे।